कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे मेरा साया भी धूप में जाके मिला। नमस्कार, मैं मनोज बत्रा आज फिर आप सबके सामने आ गया हूँ छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक बहुत बड़े धनवान सेठ थे, बहुत पैसा था उनके पास, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परिवार में सुख शांति सब कुछ था, परिवार बहुत अच्छा था, सब उनकी बात मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी आँख में एक बीमारी हो गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई। तो उन्होंने अपने आसपास जो उनके डॉक्टर थे उनको कस्बे में दिखाया, दवाई ली, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। तो किसी ने बोला कि आप शहर में जाइए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तो वो शहर में गए, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे उनके पास गए, उनको अपनी आँखें दिखाई, उनसे इलाज करवाया, कुछ दिन इलाज चला लेकिन उनको आराम नहीं आया। तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप विदेश में जाइए, किसी बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाइए, शायद आपको आराम आ जाए। तो उन्होंने, पैसे बहुत थे, उन्होंने देर नहीं लगाई और विदेश चले गए। वहाँ पर आई सर्जन थे, बहुत बड़े आँखों का इलाज करने वाले बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे। तो वहाँ एक बहुत बड़े जो डॉक्टर थे, सबसे बड़े, जिनके पास उनको लगता था कि इलाज ये कर पाएंगे, उनके पास गए तो उनको बोला, डॉक्टर साहब मेरी आँख में ये दिक्कत है। उन्होंने उनकी आँख चेक की, बोले कुछ नहीं है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, एक आपको एक प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो आप ऐसा कीजिए आप 2-4 महीने तक सिर्फ हरी चीज़ें देखिए, जितना आप हरी चीज़ों को देखोगे उतनी जल्दी आपको आराम आ जाएगा। वो वापस आए, बोले ये तो कुछ मुश्किल नहीं है। वो आए तो अपने घर के गार्डन में बैठने लगे, वहाँ पर हरे पत्ते देखते रहे, घास देखते रहे, लेकिन वो सारा दिन गार्डन में तो बैठ नहीं सकते थे, उनका घर के अंदर जाने का भी मन करता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर के अंदर भी हरे रंग की पुताई करा दूँ। उन्होंने घर के अंदर हरे रंग की पुताई करा दी, पैसा बहुत था, देर नहीं लगाई, सारे पैसे उनके बहुत पैसे लगाए, उन्होंने खर्चा किया बहुत बहुत सारा, तो उससे भी उनको आराम नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने घर की हर चीज़ को हरा कर दिया, जो चीज़ें हरी थी वो रखी, बाकी सब फेंक दी, नहीं खरीद ली। तो इस प्रकार से घर बाहर से हरा, अंदर से हरा, हर जगह से हरा ही हरा हो गया। तो एक बार एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा ये कैसा घर है, बाहर से भी हरा, अंदर भी नज़र मारो तो सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। वो घर के अंदर आया तो सेठ जी आराम कर रहे थे। नौकर ने बोला, हाँ जी किससे मिलना है? तो वो बोले, सेठ जी से मिलना है। बोले, सेठ जी आराम कर रहे हैं? तो उन्होंने उनको सेठ जी से मिलवाया। सेठ जी ने उनसे पूछा, कहिए। बोले, सेठ जी मैं आपके हरे घर को देखकर बहुत हैरान हूँ, ऐसा क्या हुआ कि आपको घर को हरे रंग का पोतना पड़ा? तो वो बोले, मुझे डॉक्टर ने बोला है हरी चीज़ें देखनी है, हरी चीज़ें देखूंगा, हरा सब कुछ मुझे दिखाई देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसी तरह से मुझे सब कुछ हरा करना पड़ा। बोले, सेठ जी आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ एक हरे रंग का चश्मा खरीद लेते, आप सिर्फ एक हरे रंग का चश्मा खरीद लेते तो आपको सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देने लगता, आपको क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की। तो यहाँ कहानी ख़त्म होती है। और कहानी का सार ये है कि कभी कभी किसी के भी दिमाग में कोई भी आइडिया आ सकता है, अच्छा आइडिया आने में आपके भी दिमाग में आ सकता है, मेरे भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन जब अच्छा आइडिया आपके पास आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए इससे पहले कि वो निकल जाए। ईश्वर सबको मौका देते हैं, आइडिया का रूप में भी आ सकता है आपके पास मौका। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया आया है तो उस पर तुरंत अमल कीजिए, तुरंत कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ईश्वर ये मौका सबको नहीं देते, और जिसको देते हैं उसे तुरंत करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया काम करेगा उसको बिल्कुल ढीला मत छोड़िए, तुरंत कार्रवाई कीजिए, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप ज़रूर जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।